किस चाहिए, बिकॉज सिड ने मनामी को कहा है कि रिलेशनशिप में जो पहला स्टेप होता है वो एक किस है, अगर किस नहीं हुआ तो मतलब वो स्टैम्प नहीं लगा। बस एकेडमी आ गए एकदम। का डबल रोल कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, और मुनामी के लाइफ में कैसे चेंजेस होंगे। अब चले अंदर 24/7 स्पेशल एजेंट संजना दुबे। देखे ना करण, हम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेरे चेहरे पर काली हो। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, संचू आ गई है आज एकेडमी में वापस, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हम बहुत खुश हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया था जब संजू गई थी और आज कम से कम एक दो महीने होने को है तो संजू वापस आ गई है, तो एकेडमी में बहुत अच्छा लग रहा है। एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड उसकी तबीयत भी ठीक है पहले से एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सिड भी बहुत खुश है तो मुना भी बहुत खुश है। ओके जी, के बीच में कहीं ना कहीं हमें और भी काफ़ी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स की तरफ इशारा देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वो क्या होगा वो तो आप देखेंगे जिद्दी दिल मारे ना तो आपको पता चलेगा, लेकिन जो ट्विस्ट है वो मैं बता दूँ बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इट्स लाइक डबल रोल। किसका डबल रोल, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, और मुनामी के लाइफ में कैसे चेंजेस होंगे एंड करण मुनामी की जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स है वो कैसे चेंज होगी और मुनामी फाइंड आउट कर पाएगी या नहीं। जानना चाहूँगा जब मुनामी भी करण से बात कर रही हैं, उनका भी कुछ एक मोमेंट नज़र आ रहा है बीच में तो करण निकल क्या वो? हाँ, बेसिकली मुनामी को किस चाहिए, बिकॉज सिड ने मुनामी को कहा है कि रिलेशनशिप में जो पहला स्टेप होता है वो किस है, अगर किस नहीं हुआ तो मतलब वो स्टैम्प नहीं लगा तो रिलेशनशिप कभी भी ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए मुनामी इज़ वेरी स्कैर्ड एंड वरीड एंड शी वांट्स दैट स्टैम्प एंड शी इज़ वेरी डेस्परेट अबाउट इट। तो वो करण से किस मांग रही है, नज़र आ रही है करण से किस मांगते हुए एंड पीछे से कोई आपकी बातें भी सुनते हुए नज़र आ रहा है आपने अगर? वो अनीश तो वो पीछे पड़ा रहता है, वो हमेशा ही हमारी बात सुनता रहता है, वो मतलब वो उसका काम ही यही है।